नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। पिछले साल के मुकाबले इस साल ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में काफ़ी गिरावट आई है। अगर हम कुल वाहन बिक्री की अगर हम बात करते हैं तो वाहन बिक्री में जो गिरावट आई है वो है 13% साथ की, मतलब 13% साथ वाहनों की बिक्री में इस साल गिरावट आई है 2019 में। और अगर हम इसी चीज़ को अगर हम कैटेगरीली अगर हम इसको बात करते हैं अगर हम घरेलू व्हीकल्स की बात करते हैं तो उनकी बिक्री में 1.24 की प्रतिशत की घटकर गिरावट आई है, जिसमें से अगर हम एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करते हैं तो 235,786 यूनिट से नीचे गिरकर इस बार 2018 में 238,753 कुछ हो गई है। और अगर हम कमर्शियल की अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो कमर्शियल व्हीकल्स में भी काफ़ी गिरावट आया है ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में, 12.32 की पर गिरावट आई है कमर्शियल व्हीकल्स में भी। इसमें भी इस बार ऑटोमोबाइल्स का जितना भी अगर हम बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल्स का कारोबार 2018-19 के दौरान काफ़ी ख़राब रहा है। अगर हम लास्ट मंथ की भी अगर हम बात करते हैं, यानी 2020 लग चुका है, अगर हम 19 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी पूरे महीने में कुल मिलाकर 142,126 गाड़ियाँ ही खरीदी गई थी। वहीं पिछले साल 2018 में, मतलब 2019 के ये आंकड़े हैं कि 142,126 गाड़ियाँ खरीदी गई थी, और 2018 के अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो वो आंकड़े उस समय थे 155,000 व्हीकल्स खरीदी गई थी, यानी चार पहिया व्हीकल्स खरीदी गई थी। तो 18 से 19 में आते आते ही इतनी ज़्यादा गिरावट ऑटोमोबाइल्स में शायद ही कभी इतिहास में, भारत के इतिहास में देखी गई होगी। इस तरीके की अगर ऑटोमोबाइल, क्योंकि इंडिया के अगर हम ऑटोमोबाइल्स की सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल्स की सेल काफ़ी ज़्यादा कारगर होती है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। यही एक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स का भी काम होता है। लेकिन मंदी के चलते इस तरीके की गिरावट 2018-19 के समय में देखने को मिली है। शायद अब इस बार 2020 के दौरान में इस तरीके की गिरावट या क्या इजाफा होता है या कितनी गिरावट आती है ये तो इस साल के लास्ट मंथ तक पता चल ही जाएगा। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल देश ऑनलाइन। पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि आप अपडेट पाए हमारे नई वीडियो।